जी, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम मजीद आगे चलते हैं लेकर उसको। फिगर्स ऑफ स्पीच की एक दो और टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। वो है जी आपका ओनोमाटोपिया। ओनोमाटोपिया ये आपका नेक्स्ट पार्ट फिगर ऑफ स्पीच है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई साउंड देखते हैं, आवाज, तो वही आपको मतलब पूरा दे देती है। यानी कि साउंड गिव्स सेंस, यानी आप आवाज को सुनते ही कह सकते हैं कि ये फलां है या फलां चीज है या ये फलां की आवाज है, क्योंकि उसी की बेस पर हम इसको डील करते हैं। जैसे मैं अगर ये कहूं कि डॉग बार्क्स, सपोज आपके पास ये एक वर्ड आ गया, एक सेंटेंस, डॉग बार्क्स का मतलब के कुत्ता भौंकता है। यानी जब आप बार्क्स की बात करेंगे तो बार्क की बात करेंगे तो अंडरस्टूड है कि ये डॉग ही की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उसी के साथ इसका ताल्लुक जुड़ता है। इसका जो रिलेशन है वो डॉग के साथ ही है, कोई और चीज बार्क नहीं करती है। तो अंडरस्टूड है कि जब हम ये कहेंगे, अगर आप ये कहेंगे डोंट बार्क, तो मतलब ये कि बार्क को अंडरस्टूड है कि ये डॉग की ही बात हो रही है। यानी कि इसको अगर हम यूं सेंटेंस बोल देते हैं डोंट बार्क, तो अंडरस्टूड है ये बात कि हम एक डॉग की ही बात करते हैं। यानी उसी के ताल्लुक से ये मैंने वर्ड निकाला, ये उसी के साथ रिलेट करता है डॉग से। अगर मैं कहूं कैट म्यूज, तो अगर मैं कैट ना भी लिखूं तो मुझे पता है कि म्याओ म्याओ बिल्ली ही करती है, तो म्यूज का डायरेक्ट ताल्लुक जुड़ता है कैट के साथ। इसी तरह अगर मैं डॉग ना भी लिखूं तो बार्क का मतलब डॉग ही है। तो ये जो साउंड है जिससे हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि ये फलां चीज है, तो उसको हम कहते हैं ओनोमाटोपिया। ये एक आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच था। अच्छा, इसके बाद एक और, इस आई थिंक कि समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंडिंग आ गई इसकी, कि साउंड जो होती है उसी से हम सेंस कर लेते हैं कि ये क्या चीज है। या जिससे अगर हम बार्क को अगर बोल दें या म्यू को बोल दें तो अंडरस्टूड है, जैसे हॉर्स है, अगर हमने हॉर्स की बात करनी है तो ये साथ ने इसका होगा, हिन हिनाना ने। तो ये वर्ड शो करता है कि आप घोड़े की ही बात करते हो। तो ये जो साउंड है वो हमें सेंस दे देती है, आवाज जो है वो हमें सेंस दे देती है कि किसकी बात हो रही है। उस चीज को, उस कैफियत को हम नॉट ऑनोमेटोपिया कहते हैं। एक और मिसाल भी ले लेते हैं, जैसे डंकी है, तो अगर मैं ब्रे कहूंगा वर्ड, तो ये बात होगी कि आप हॉर्सेस ने, तो आप डंकी की ही बात कर रहे हैं अगर मैं ब्रे की बात करूं तो। ये वो चीजें थी जो साउंड से हम इसकी चीज को, यानी हमें बजाय कि डॉग्स की बात करें, कैट की बात करें, डंकी, हॉर्स की बात करें, तो हम उनकी आवाजों को कहकर, आवाजों को यानी साउंड को, यानी आवाज को आप जब कह देते हैं तो अगले बंदे को कंफर्म हो जाता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। इन्हें अगर मैं म्यू की बात करूंगा डॉट म्यू, तो इसका मतलब ये कि आप कैट ही की बात करते हो। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमें नेक्स्ट है हमारा, इसी को लेकर चलते हैं आगे।
वो है जी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये जो एपिथेट है असल में ये आपका एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव मतलब कि आप एडजेक्टिव, इसमें शिफ्ट है एडजेक्टिव जो किसी नाउन को क्वालिफाई करती है, तो ये ट्रांसफर्ड है यानी कि मुंतकिल की हुई बात। तो ऐसा एडजेक्टिव जो आप मुंतकिल कर देते हो, किस में मुंतकिल करते हो, किसी नॉन लिविंग थिंग में, नॉन लिविंग थिंग में जब आप एडजेक्टिव को किसी नॉन लिविंग थिंग के साथ अटैच करते हो, लिंकअप करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। मैं इसे एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज इट इज बोरिंग डे, तो आप नॉन लिविंग थिंग को आपने जो एक नाम दिया है कि वो क्या है, तो वो हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट का यानी कि डे की जो कैफियत है वो एडजेक्टिव इसका तो बोरिंग है ना, ये तो डे तो बोरिंग है यानी इसके तो जाहिर होता है कि डे जो था वो बोरिंग था, यानी ये दिन जो था वो उकताहट वाला था, बोरिंग था, एक्टिविटी नहीं थी, एक्साइटमेंट नहीं थी, तो दिन तो बोरिंग नहीं था जबकि आप बोर हो रहे थे। तो मैंने अपनी जो मेरी कैफियत थी, जो मेरी हालत थी, कंडीशन थी, वो मैंने किसी और के नाम लगा दी और वो बेजान चीज थी। तो मैंने कहा कि यार ये इट इज बोरिंग डे, आज दिन तो बोर बोर दिन तो बोर नहीं होता, दिन तो जैसा था वैसे ही था, लेकिन आप बोर थे। तो ये जो आपने इस कैफियत को नाम दे दिया है, इसके साथ जोड़ दिया है, जबकि आप थे, वो आप थे और नॉन लिविंग थिंग को आपने आपने कैफियत ट्रांसफर कर दी है, तो ये हमारा कहलाता है ट्रांसफर्ड एपिथेट। इसी तरह स्पेंट स्लीपलेस नाइट, अच्छा नाइट जो है वो स्लीपलेस नहीं थी, नाइट तो बेजान है उसको क्या, ये आप थे जो स्लीपलेस हुए यानी आप जागे हैं, रात जागी नहीं है। तो हमने आई स्पेंट मैंने स्लीपलेस नाइट गुजारी, हालांकि ये नाम जुड़ा हुआ है इसके साथ, नाइट के साथ, जबकि ये हालत आपकी जाती थी। तो ये जो कैफियत है जो हमने बेजान को ट्रांसफर कर दी है वो हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट कहलाता है। ये फिगर ऑफ स्पीच में से नेक्स्ट पॉइंट था। तो आई थिंक ये आपको कुछ कुछ समझ आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। ये दो तीन चीजें थी जो आसान भी थी लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी थी, इनका समझना, ये अक्सर हम अपने डेली यूसेस में इनको इस्तेमाल करते हैं, डेली सेंटेंसेस में इनको यूज करते हैं, और ये बड़ा एक अच्छा लगता है जब आप, या स्लीपलेस नाइट, आई आई वॉज अपसेट, अगर आप ये कहें तो बजाय इसके कि आप अपसेट कहें, आप इसको ये नाम दे दें, आप अपसेट दैट नाइट, तो आप कहें नहीं यार आई स्पेंट स्लीपलेस नाइट, तो ये ज़रा अच्छा लगता है, ये खूबसूरती है जुमले की। ये दो बातें थी जो मैंने डिस्कस करनी थी। थैंक यू।